मुंगेर में सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का डीएम नवीन कुमार ने किया निरीक्षण। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। दरअसल मुंगेर के सगरामपुर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का जिलाधिकारी नवीन कुमार ने निरीक्षण किया, जिसमें नल जल आवास योजना, गली नली सहित कई योजनाओं का बारीकी से जाँच किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सर्वप्रथम रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय मौजमपुर पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय में ही चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 65 में सेविका द्वारा बच्चों की उपस्थिति पंजी सहित अन्य रजिस्टर की जांच की। डीएम ने व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जताते हुए सेविका और सहायिका को कड़ी फटकार लगाई। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान गांव में ही चल रहे रामधुन की मंडली को विद्यालय में रखने पर डीएम ने विद्यालय के प्रचार और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि विद्यालय बच्चे की शिक्षा के लिए है और उसी विद्यालय में स्कूल अवधि के दौरान बाहरी व्यक्ति को ठहरने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। विद्यालय में ठहरे अवांछित लोगों को उसी समय बाहर निकाल दिया गया। विद्यालय में बच्चे की कम उपस्थिति पर प्रधानाचार्य को कड़ी फटकार लगाई गई। बच्चों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन समय पर नहीं देने की शिकायत की गई, जिस पर डीएम ने प्रधानाचार्य को इसमें सुधार लाने अथवा कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। स्कूल को नासिए करके ले